सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे नए वीडियोस को आप बिल्कुल मिस ना करें। सो बिना किसी देरी के चलते इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो एपिसोड की स्टार्टिंग में सुपिंग को दिखाया जाता है जो कि अपने उनमें कह रहा होता है मीडियम ग्रेड ओरिजिनल फोर्स पिल्स और उसी के साथ साथ डिवाइन एंड डीमन बैटल टेक्निक, ये दोनों ही काफी अच्छे हैं लेकिन इसकी प्राइस 100 गुना ज्यादा है, क्या कोई इसे खरीदना चाहेगा। तभी वो जो लेडी होती है वो उसे कह रही होती है, बॉस क्या तुम कुछ कहना चाहते हो। तो ये सुनते हुए सुपिंग उसे कह रहा होता है, अच्छा मैं तुम्हें समझ गया हूँ, तुम अपने पेट के मूड को सुधारना चाहते हो है ना, लेकिन थंडरलाइट माउस की कल्टीवेशन का परिणाम उसका कीमत बहुत ही ज्यादा था और मुझे डर है कि मामूली कस्टमर उसे चुका नहीं पाएगा। तो ये सुनते हुए वो लेडी कह रही होती है, क्या तुम्हें कितना पैसा चाहिए बोलो मैं तुम्हें दूंगी, तुम बस कीमत बताओ। तो ये सुनते हुए सुपिंग उसे कह रहा होता है, ठीक है 1 मिलियन। ये सुनते हुए वो जो लेडी होती है वो काफी ज्यादा हैरान होती है और अपने मन में कह रही होती है, क्या 1 मिलियन, क्या ये आदमी मुझसे 1 मिलियन ले लेगा और उसको लेकर भाग जाएगा, क्या ये ऐसा तो नहीं करने वाला। और वो उसे कह रहा होता है, बॉस क्या ये स्टोर किराए पर है जो कि आप मुझसे इतना पैसा मांग रहे हो। तो ये सुनते हुए सुपिंग उसे कह रहा होता है, बिल्कुल नहीं, प्लीज हमारे स्टोर की रेपुटेशन पर विश्वास करें, हम नहीं भागेंगे और तुम्हारे पैसे लेके कहीं पर भी नहीं जाएंगे। अगर तुम उस पर विश्वास नहीं करते तो तुम फिनिक्स माउंटेन एकेडमी की ऑफिशियल वेबसाइट देख सकते हो जहाँ पे मेरा नाम सुपिंग है और वहाँ पे मेरे बारे में सब कुछ बताया गया है। तो ये सुनते हुए वो लेडी अपने उनमें कह रही होती है, क्या फिनिक्स माउंटेन, क्या ये बंदा वहाँ का स्टूडेंट हो सकता है। और ये कहते हैं वो अपने वॉच में उसको सर्च करने लगती है और उससे कह रही होती है, ठीक है तुम्हें देख के लगता है कि तुम कोई फर्स्ट ईयर या फिर सेकंड ईयर के स्टूडेंट होंगे, और वैसे भी अगर तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो तो बाद में वो फिनिक्स एकेडमी ही तुम्हें निकाल देगी, तो इसलिए मुझे धोखा देने की कोशिश भी मत करना। और जैसे ही वो सुपिंग का नाम देखती है जहाँ पे वो एक सीनियर इंस्ट्रक्टर होता है जो कि देखते हुए वो काफी साधारण होती है और चिल्लाते हुए कह रही होती है, क्या एक स्पेशल सीनियर इंस्ट्रक्टर आखिर ऐसा कैसे सकता है, तुम्हें देख के लगता तो नहीं कि तुम ये हो। और वो अपने उनमें कह रहा होता है, नहीं ये सच नहीं हो सकता, ये बंदा इतनी कम उम्र में सीनियर इंस्ट्रक्टर कैसे बन सकता है, आखिर ये कैसे हो सकता है। और उसके साथ साथ इसका कॉम्बैट डिपार्टमेंट में बहुत ही ज्यादा हाईएस्ट स्ट्रेंथ है, ये कैसे हो सकता है। तभी सुपिंग उसे कह रहा होता है, क्या हो गया तुम्हें, तुम इतना हैरान क्यों हो, क्या मैं अभी उस फिनिक्स माउंटेन एकेडमी में रह पाऊंगा, तुम तो मुझे निकालने वाली थी। तभी वो लेडी सुपिंग से माफी मांग रही होती है और उससे कह रही होती है, प्लीज इंस्ट्रक्टर सुपिंग मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको अभी नाराज किया तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, ये बस मेरी नादानी थी। और ये कहते हुए वो सुपिंग के सामने झुक जाती है, जिसे देखते हुए सुपिंग अपने उनमें कह रहा होता है, उम्मीद के मुताबिक एक टीचर की पहचान वो काफी अच्छी होनी चाहिए। और वो उससे कह रहा होता है, तुम मुझे स्टोर में बॉस बुलाओगी और अगर तुम अपने पालतू पेट की ट्रेनिंग करना चाहते हो तो प्लीज वहाँ पे चले जाओ और पैसे की तैयारी करो। तो ये सुनते हुए वो लेडी कह रही होती है, ठीक है बॉस आप जो कहे वो ठीक है, लेकिन मेरे पास इतना ज्यादा पैसा भी नहीं है। और ये कहते ही वो अपनी पेट को समन करती है और कह रही होती है, तो प्लीज इस बार हमारे स्पोकिंग की मतलब स्कोरपिक की कल्टीवेटिंग करिए, जिसके वजह से सुपिंग को 1 मिलियन कॉइन मिलता है जो कि देखते हुए सुपिंग काफी साधारण होता है और अपने में कह रहा होता है, क्या 1 मिलियन, ये तो काफी ज्यादा है, यहाँ तक कि वो डैमिट ये हाँ उसने भी इससे कम दिया था। और ये कहते हैं सुपिंग काफी ज्यादा परेशान हो रहा होता है, तो उसे देखते हुए वो जो लेडी होती है वो चिल्लाते हुए से कह रही होती है, इंस्ट्रक्टर सु आखिर आपको क्या हो गया है, आपको देख के लगता है कि आपका हाल ठीक नहीं है, प्लीज इसे देर पर मत लीजिए, ट्रेनिंग पूरा होने के बाद मैं आपका पैसा आपको चुका दूंगी। दूसरी तरफ सुपिंग अपने उनमें कह रहा होता है, ये तो काफी अच्छी बात है, ये लड़की ये तो काफी ज्यादा अमीर है, मुझे लगता है कि मैं काफी ज्यादा लेट हो चुका हूँ, लेकिन इससे पहले मुझे इसका पीछा नहीं छोड़ना चाहिए। और सुपिंग उसे कह रहा होता है, चिंता मत करो, मैं सुपिंग हमेशा सारे के सारे कस्टमर्स के साथ एक साथ ही एक समान व्यवहार करता हूँ। तो ठीक है मैं अभी कल्टीवेशन करने के लिए जा रहा हूँ, अगर तुम्हारे पास कुछ और नहीं है तो तुम वापस जा सकते हो और इसे लेने के लिए तुम अगले महीने वापस आ सकते हो। तो ये सुनते हुए वो लेडी काफी साधारण होती है और अपने उनमें कह रही होती है, इन्होंने ना केवल मेरे बल्कि ये केवल 1 महीने के अंदर मेरे पेट को रैंक 7 तक तेजी से कल्टीवेशन करने के लिए मान गए हैं, वाह ये तो कितने अच्छे टीचर हैं। और वो सुपिंग के सामने झुकते हुए कह रही होती है, थैंक यू इंस्ट्रक्टर सु इसकी ट्रेनिंग करने के लिए। और ये कहते ही वो वहाँ से चले जाती है। तो दूसरी तरफ सुपिंग अपने सिस्टम को देखने लगता है जहाँ पे उसके पास 1000 यूनिट एनर्जी होती है, जो कि देखते हुए वो अपने उनमें कह रहा होता है, आखिर मैं अपने 1000 यूनिट एनर्जी को कहाँ पे स्पेंड करूँ, क्या मुझे कुछ अपग्रेड करना चाहिए, क्या मुझे कुछ खरीदना चाहिए। और ये कहते ही वो शॉप में देखने लगता है एक पावरफुल कल्टीवेशन करने की जगह जो कि थंडर कोल्ड सीरियल में है, जिसका टिकट का कॉस्ट लगभग 1000 यूनिट का एनर्जी है, लेकिन इतनी एनर्जी के मात्रा के साथ साथ
मैं उसे अपग्रेड नहीं कर सकता, लेकिन ये बस एक ही चांस है एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग का, तो इसलिए मुझे ये ध्यान से करना चाहिए। और ये कहते हुए अपने सिस्टम में देखने लगता है, जहाँ पे वो एक चीज देखते हुए काफी ज्यादा रन होता है और कह रहा होता है, डैम्ड, ये तो शेडो क्लोन फंक्शन ये काफी ज्यादा खतरनाक है और ये काफी ज्यादा अच्छा भी है। हालांकि प्रत्येक ऑर्डिनरी कल्टीवेशन में सिर्फ 50 यूनिट एनर्जी ही प्राप्त होती है, जब तक लगातार कस्टमर आते जाएंगे तब तक ये सब बढ़ते जाएंगे। तभी हम देखते हैं कि उसके शॉप के सामने बहुत सारे लोग होते हैं और वो सभी आपस में कह रहे होते हैं, क्या यही है वो शॉप, लगता है चलो हमें इसे देखना चाहिए। और ये कहते हैं सभी चिल्ला रहे होते हैं, जो कि देखते हैं सुप्रीम भी काफी ज्यादा रन होता है और ये देखते हुए कह रहा होता है, क्या यहाँ पे सारे के सारे लोग कस्टमर है? तो वो सभी लोग कह रहे होते हैं, यस बॉस, क्या आप स्टार पेट कल्टीवेशन स्वीकार कर रहे हैं? तो दूसरा बंदा कह रहा होता है, बॉस मैं भी ये करवाना चाहता हूँ, हम सभी अपने पेट की पावर को बढ़ाना चाहते हैं। जो कि देखते हैं सुपिंग कह रहा होता है, तो ठीक है उन सभी को चुन लो। और ये कहते हैं सुपिंग सिस्टम पर क्लिक करता है, जिसकी वजह से वो उन सारे के सारे पेट्स को लेते हुए उस ट्रेडिंग ग्राउंड में पहुंच जाता है, जहाँ पे उसे सिस्टम बता रहा होता है कि उसकी शैडो क्लोन फंक्शन वो एक्टिव हो चुकी है, वो भी पहली बार। होस्ट को पूरी तरीके से कल्टीवेशन करने की जरूरत है और वो जो क्लोन होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। उसी के साथ साथ वो 200 एनर्जी पॉइंट को कंज्यूम कर लेता है, जो कि देखते हुए सुपिंग काफी ज्यादा अजीब सा मूव बनाता है और कह रहा होता है, क्या ये कोई अवतार फंक्शन है? इसे देख के ऐसा लगता है कि ये एक इल्यूजन है, लेकिन ये काफी ज्यादा अजीब है। और हमें बताया जाता है बढ़ते सितारों की कुंजी पर्यावरण और गुणों के स्थानों में एक साथ बढ़ रही है। आग के मजबूत गुण आग पैड्स के कौशल को यानी कि उसके स्किल को बहुत ही ज्यादा कॉन्ड्यूसिव कर देती है। और वो सभी अंडरग्राउंड लावा में होते हैं, जहाँ पे 2000 डिग्री होती है, जो कि देखते हुए सुपिंग कह रहा होता है, ये तो काफी अच्छी जगह है, ये तो एक परफेक्ट मैच है। और ये कहते ही वो उस लावा के अंदर जा रहा होता है और अपने सारे के सारे पैड से कह रहा होता है, तो ठीक है चलो मेरे साथ आओ। उसकी बातें सुनते हुए वो जो सारे के सारे पेट होते हैं वो लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और चिल्ला रहे होते हैं, वो लोग वहाँ से जाने के लिए मना कर रहे हैं। सुपिंग जैसे उस लावा को छूता है वैसे ही वो अपने मन में कह रहा होता है, जितना कि मैंने सोचा था ये उतना ज्यादा गर्म नहीं है। वेल, शिराजावा के खिलाफ लड़ना ये काफी अच्छा है, हाई टेम्परेचर ये डेडली है, ना केवल जला हुआ ये गोल्डन क्राउ स्टैंस को इंस्पायर करती है। और ये कहते हैं वो उस लावा की तरफ आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन पीछे के जो सारे के सारे पेट होते हैं वो सभी काफी ज्यादा डर रहे होते हैं और घुर्रा रहे होते हैं। सुपिंग उस लावा को देखते हुए कह रहा होता है, क्या ये डीमन लॉर्ड क्राउ गोल्ड हो सकता है? क्या यहाँ पे मुझे फायर स्टेप के लिए कोई विशेष आकर्षण मिला है? वैसे भी एक अवेकनिंग है तो मुझे कोशिश करना चाहिए, ये काफी अच्छा होने वाला है। और जैसे ही वो उस लावा को छूता है वैसे ही उसमें बहुत सारा एनर्जी आने लगता है, जो कि देखते हैं वो काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और कह रहा होता है, ये फायर ये तो काफी ज्यादा घरेलू लगता है, क्या ये उस गोल्डन क्रो का टैलेंट है? तो उसे ऐसा करते हुए देख उसका क्लोन भी ऐसा कर रहा होता है, जो कि देखते हुए सुपिंग उसे देख रहा होता है और बुरी तरीके से कह रहा होता है, पागल हो क्या तुम, ऐसा क्यों कर रहे हो? समय बहुत ही ज्यादा कीमती है, तो इसलिए सब कुछ फेंक दो और यहाँ पे ट्रेनिंग करो। और ये कहते हुए उस लावा में कूद जाता है, जिसे देखते हुए वहाँ पे जितने भी सारे पेट्स होते हैं वो सभी काफी ज्यादा रन होते हैं। तभी पीछे से जो सुपिंग का क्लोन होता है वो उन सारे के सारे पेट को उठाते हुए उस लावा में फेंक देता है, लेकिन वहाँ पे सुपिंग मतलब कि रियल वाला सुपिंग वहाँ पे आराम कर रहा होता है। और जैसे ही वो सारे के सारे पेट उन लावा में गिरते हैं वैसे ही उन सभी का अंतिम संस्कार हो जाता है, यानी कि वो सभी मर जाते हैं। जो कि देखते हुए सुपिंग कह रहा होता है, ये सभी के सभी तो फायर एलिमेंट है, लेकिन ये सभी इतना ज्यादा कमजोर क्यों है? और ये कहता है वो उन सभी को फिर से रिवाइव करता है और फिर से वो सारे के सारे पेट उसी लावा में जाके गिरते हैं और फिर से उनका अंतिम संस्कार हो जाता है। सुपिंग ये देख के फिर से बोलता है, वेल, मैं एक और बार फेल हो गया, लेकिन फिर से मुझे ये कंटिन्यू करना चाहिए। और ये कहते हैं वो फिर से उन्हें रिवाइव करता है और ऐसे ही वो सारे के सारे फायर पैट बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं, जो कि देखते हुए उनके जो मालिक होते हैं वो लोग काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। जहाँ पे एक बंदा कह रहा होता है, ये तो काफी ज्यादा बढ़िया है, मेरे पेट ने तो एक ही दिन के अंदर मीडियम लेवल का पावर सीख लिया है, वाह ये तो काफी अच्छा टीचर है। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है, आखिर ये कौन सा काला टेक्नोलॉजी है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है। जिसे देखते हुए वहाँ पे और भी ज्यादा कस्टमर आ रहे होते हैं, जिसे देखते हुए सुपिंग कह रहा होता है, चिंता मत करो सबकी बारी एक एक करके आएगी, तो सभी यहाँ पे आ सकते हैं। एंड इसके साथ साथ ये जो एपिसोड भी है वो भी यहाँ पर खत्म होता है। अगर तुम लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।